अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार से आलू के सैंडविच। सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। आलू को बॉईल करके मैंने इसे अच्छी तरह जो है इसे मैश कर लिया, यानी बारीक कर लिया अच्छी तरह। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना बर्तन गर्म करूँगी। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 से 3 टीस्पून जितना। हाफ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी, हाफ टी स्पून हम ज़ीरा डालेंगे अपना। 1-2 मिनट हल्का सा ज़ीरा भूनेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने हल्का सा ज़ीरे को भून लिया है। अब ये मेरे पास 1 अदद छोटी चॉप की हुई प्याज है। सबसे पहले मैं इसे भूनूंगी, थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम इसे हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए हल्की सी प्याज फ्राई हो गई है। 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें काटी थी बारीक बारीक, वो डाल। सबसे पहले मिर्चों को डाल देंगे हम अपनी, मिर्चों को फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। अच्छा, मिर्ची की देखिए ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग गई है। अब ये मैंने मकई के दाने और ये मेरे पास मटर है, इन्हें मैंने सबसे पहले हल्के से बिल्कुल लाइट ऑयल में मैंने इसे फ्राई कर लिया था, तो ये बिल्कुल पक गए। इसे सिर्फ ऐसी डाल के एक, अच्छा देखिए मैंने ये मटर और मकई के दाने हल्के से ऑयल में मैंने इसे पहले ही फ्राई कर लिया था। अब ये मेरे पास कुछ मसाले हैं, जो मसाले मैं इसके अंदर डालूंगी। सबसे पहले नमक मैंने 2.5 टीस्पून लिया है, कुटी हुई मिर्च मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, यहाँ पे मेरे पास आमचूर पाउडर है जो मैंने 1 टीस्पून लिया, और हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ली है। ये मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, ये मेरे पास 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने पपरिका पाउडर लिया है, ये मेरे पास है लहसुन पाउडर है मैंने 1 टीस्पून लिया है, ये मेरे पास धनिया पाउडर है मैंने 1 टीस्पून लिया है, और ये मेरे पास गरम मसाला है 1 टीस्पून लिया। ठीक है, ये सारे मसालों को मैं डाल दूंगी इस वक्त। इसे हम 1 सेकंड बस भूनेंगे। अच्छा, अब ये जो मैंने आलू को बिल्कुल जो बारीक करके बॉईल करके मैंने इसे बारीक कर लिया था, ये सबसे पहले ये डालेंगे अपने मसाले में। अच्छा, इन मसालों को डाल के जब हम आलू डालेंगे तो इन्हें अच्छी तरह मिक्स करना है जो हमने मसाले, ताकि जो डाले हैं इसमें वो सारे अच्छी तरह हमारे आलूओं को लग जाए। पहले हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने देखे अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है। इतनी आसान और इतनी इजी रेसिपी है ये, और आप चाहें तो इसे जो है सैंडविच की जगह समोसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना और ये मेरे पास बाथसिलिको में यानी बाथसिल है जो मैंने 1 टीस्पून लिया है, ये सब मैं डाल दूंगी इस वक्त। ऐसे हम मिक्स करेंगे और ये हमारा सैंडविच का मसाला हो गया रेडी। अच्छा, नमक आप चेक कर लेना, अगर नमक कम हो तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हो नमक, नमक अपने हिसाब से डालिएगा। बस अब हम इसके झटपट से बनाएंगे सैंडविच। अच्छा, अपने मसाले को आप ठंडा होने देंगे। ये इतना जबरदस्त बना है मसाला, इतना चटपटा सा लग रहा है और बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसे इसके कबाब, इसके आप सैंडविच भी बना सकते हैं। सैंडविच तो हम बनाएंगे, इसके आप कबाब, इससे समोसे, समोसे भी बनाने के लिए अगर आपने ये मसाला यूज़ करना है समोसे के लिए, तो उसमें सिर्फ साबित धनिया मिला लें आप लोग, बहुत ज़बरदस्त से समोसे बन जाएंगे हमारे। अब इसे 1-2 मिनट ठंडा होने का वेट करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा, अब हम अपने यहाँ सैंडविच बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं जो केचप लगा लूँगी थोड़ा सा, आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आपने लगाना है आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो आप ना लगाएं। सबसे पहले हम अपना केचप लगा लेंगे इस तरह करके। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेड पे केचप लगा लिया। अब सबसे पहले हम इसमें अपने आलू भरेंगे जो हमने आलू का मसाला बनाया था।
अच्छा देखिए, मैंने दोनों में मसाला लगा दिया है। अब सबसे पहले हम ये दूसरी जो ब्रेड है इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छा, एक यहाँ पे मैं बनाऊंगी अपनी चूल्हे पे बनाऊंगी एक में, और एक को मैं ये अपनी सैंडविच मेकर है, ये मैंने अभी अभी न्यू ओपन किया है मेरा, क्योंकि पहले वाला टूट गया था, एक मैं इसमें बनाऊंगी। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इसमें बटर डाल दिया है। बटर डालने के बाद हम अपनी ब्रेड इसमें डाल देंगे, डाल के इसको 1-2 मिनट के लिए होने देंगे। अच्छा, और ये वाली ब्रेड को हम अपनी डालेंगे। अच्छा, सैंडविच मेकर में मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है, ऊपर से आप चाहे थोड़ा सा लगा सकते हैं बटर, ये थोड़ा सा ऊपर से लगा देंगे बटर। बटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और इसे इस वक्त बंद कर देंगे हम। देखिए, मैंने एक सैंडविच जो है सैंडविच मेकर में डाल दिया है। जब हमारी यहाँ पे लाइट ग्रीन जल जाएगी, अभी रेड हो रही है यानी बन रहा है हमारा, जब हमारी ग्रीन हो जाएगी उस वक्त हमारा बन जाएगा। अब हम इसे चेक करते हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। थोड़ा सा हम इसमें और बटर डालेंगे। थोड़ा सा ऐसे करके बटर डालेंगे हम, ताकि जो हमारा सैंडविच है वो क्रिस्पी सा बने। चलिए बनने का वेट करते हैं। ये देखिए, हमारे दोनों सैंडविच ज़बरदस्त से तैयार हो गए। ये देखिए, ये जो हमने चूल्हे पे बनाया था ये वो है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, क्रिस्पी सा है, कितना क्रिस्पी है। और ये हमने सैंडविच मेकर में बनाया था, देखिए ये भी कितना क्रिस्पी है। चलो अब इसे ट्राई करते हैं। ये हमारे पास रायता है, मैंने रायता पहले ही बना लिया था, अब रायता ट्राई करके आपको दिखाते। बाकी बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप लोग भी जल्दी से जाके मेरी रेसिपी को बनाइए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वाली जो सैंडविच की मैंने रेसिपी आपको बताई है, इसे लाजमी आप बनाइएगा, बना के मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही मज़े की है। ठीक है, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।